इस 23 अगस्त को ही हम सब देशवासियों ने पहला नेशनल स्पेस डे मनाया। मुझे विश्वास है कि आप सबने इस दिन को सेलिब्रेट किया होगा। एक बार फिर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया होगा। पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी हिस्से में शिव शक्ति पॉइंट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। भारत इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना। साथियों, देश के युवाओं को स्पेस सेक्टर रिफॉर्म से भी काफी फायदा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मन की बात में स्पेस सेक्टर से जुड़े अपने कुछ युवा साथियों से बात की जाए। मेरे साथ बात करने के लिए स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई की टीम जुड़ रही है। इस स्टार्टअप को IIT मद्रास के एलुमनाई ने शुरू किया था। ये सारे नौजवान आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुयस, डेनिल, रक्षित, किशन और प्रणीत, आइए इन युवाओं के अनुभवों को जानते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार सर। अच्छा साथियों, मुझे ये देखकर खुशी होती है कि IIT मद्रास के दौरान हुई आपकी दोस्ती आज भी मजबूती से कायम है। यही वजह है कि आपने मिलकर गैलेक्स आई शुरू करने का फैसला किया, और मैं आज जरा उसके विषय में भी जानना चाहता हूं, इस बारे में बताइए। इसके साथ ही ये भी बताएं कि आपकी टेक्नोलॉजी से देश को कितना लाभ होने वाला है। जी, मेरा नाम सुयश है। हम लोग साथ में, जैसा आपने बोला, सब लोग साथ में IIT मद्रास में मिले। वहीं पर हम लोग सब पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग ईयर्स में थे अपने इंजीनियरिंग के। और उसी वक्त हम लोगों ने सोचा कि एक हाइपरलूप नाम का एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग चाहते थे साथ में करेंगे। उसी दौरान हमने एक टीम की शुरुआत की, उसका नाम था आविष्कार हाइपरलूप, जिसको लेकर हम लोग अमेरिका भी गए। उस साल हम एशिया की इकलौती टीम थी जो वहां गई और हमारे देश का जो झंडा है उसको हमने फहराया, और हम टॉप 20 टीम्स में से थे जो आउट ऑफ अराउंड 1500 टीम्स अराउंड द वर्ल्ड। चलिए, आगे सुनने से पहले इसके लिए तो बधाई दे दूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसी उपलब्धि के दौरान हम लोगों की दोस्ती काफी गहरी हुई, और इस तरीके के कठिन प्रोजेक्ट्स और टफ प्रोजेक्ट्स को करने का कॉन्फिडेंस भी आया। और उसी दौरान SpaceX को देख के, और स्पेस में जो आपने जो ओपन अप किया एक प्राइवेटाइजेशन को, जो 2020 में एक लैंडमार्क डिसीजन भी आया, उसको लेकर हम लोग काफी एक्साइटेड थे। और मैं रक्षित को इनवाइट करना चाहूंगा बोलने के लिए कि हम क्या बना रहे हैं और उसका फायदा क्या है। जी, तो मेरा नाम रक्षित है, और इस टेक्नोलॉजी से हमको कैसे लाभ होगा मैं इसका उत्तर दूंगा। रक्षित, आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? सर, अल्मोड़ा से हूँ। तो बाल मिठाई वाले हैं आप? जी सर, बाल मिठाई हमारी फेवरेट है। वो हमारा जो लक्ष्य सेन है ना, वो मेरे लिए रेगुलरली बाल मिठाई खिलाता रहता है मुझे। हाँ रक्षित, बताइए। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है, ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है, और ये रात्रि में भी देख सकती है। तो हम इससे देश के किसी भी कोने के ऊपर रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं, और ये जो डेटा हमें आएगा इसका उपयोग हम दो क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे। पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना। हमारे जो बॉर्डर्स हैं और हमारे जो ओशंस हैं, सीज हैं, उसके ऊपर रोज हम मॉनिटर करेंगे और एनिमी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना। तो हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया है भारत के झींगा किसानों के लिए, जो अंतरिक्ष से उनके पॉन्ड्स के पानी की क्वालिटी मेजर कर सकता है 1/10 ऑफ द करेंट कॉस्ट में। और हम चाहते हैं आगे जाते हुए हम दुनिया के लिए बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट इमेजेस जनरेट करें, और जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे, इससे
लड़ने के लिए हम दुनिया को बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करें। इसका मतलब हुआ कि आपकी टोली जय जवान भी करेगी, जय किसान भी करेगी। जी सर बिल्कुल। साथियों, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी इस टेक्नोलॉजी का प्रिसीजन कितना है? सर हम लेस देन 50 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन तक जा पाएंगे और हम एक बार में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इमेज कर पाएंगे। चलिए, मैं समझता हूँ कि ये बात जब देशवासी सुनेंगे तो उनको बड़ा गर्व होगा, लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर। स्पेस इकोसिस्टम